देखो कि मोचे जो मूवी गुंटू कारम का ट्रेलर आ चुका है दोस्तों, पर इस ट्रेलर ने बहुत इंतजार करवाई है यार। पहले तो जिस दिन आने वाला था उस दिन नहीं आया, पोस्टपोन हो गया। ऊपर से कल जिस टाइम पे मेकर्स ने कहा था कि आएगा उस टाइम पे भी नहीं आया, 4 घंटे बाद रिलीज किया गया। ऐसा कोई करता है क्या? खेल छोड़ो, इस फिल्म में महेश बाबू के साथ श्रीलीला नजर आ रही है। वैसे आपको नहीं लगता श्रीलीला हर मूवी में आजकल कुछ ज्यादा ही दिख रही है? खैर हमें क्या, बढ़ते हैं ट्रेलर की ओर। लगभग 2 मिनट 47 सेकंड की ट्रेलर है जिसमें दिखाया जाता है कि रोमिया कृष्ण एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करती हैं, जो काफी सालों पहले अपने बड़े बेटे को अनाथ की तरह छोड़ दी थी। इसे तो आप समझ ही गए होंगे कि उनका बड़ा बेटा कौन है। हाँ सही समझे, महेश बाबू ही है, जिनके कैरेक्टर का नाम है रमन। फिर ट्रेलर में महेश बाबू की एक जबरदस्त एंट्री दिखाई जाती है स्टाइल और श्वेत के साथ। उसके बाद एक्शन ही एक्शन देखने को मिलते हैं, और जहां एक्शन देखने को नहीं मिलते वहां श्रीलीला और कुछ साइड एक्ट्रेस को दिखाया जाता है, पर वो ट्रेलर के अंदर कुछ खास इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाते, आते हैं और चले जाते हैं। पर जब महेश बाबा कहते हैं मेरा खेल देखना चाहते हो क्या, तब जो सीन देखने को मिलती है वो काफी अच्छे थे। फिर रोमिया कृष्णन की भी एंट्री होती है जिसके बाद ट्रेलर हमें इमोशनल टोन पे ले जाती है। और तभी महेश बाबू का एक डायलॉग भी आता है कि बचपन में माँ जो मारा करती थी वो आज भी मार रही है। ये सीन काफी इफेक्टिव साबित होती है और ये भरोसा दी जाती है कि फिल्म में एक्शन के साथ साथ इमोशनल मोमेंट भी देखने को मिलेगी। ट्रेलर के अंदर महेश बाबू की स्वैग उनकी स्टाइल देख मजा ही आ जाता है, और उनका वो हंसता हुआ चेहरा देख तो दिल गार्डन गार्डन हो गया यार, कितने प्यारे लगते हैं हंसते हुए। ऊपर से उन्हें देख कोई भी कह नहीं सकता कि उनकी शादी हो चुकी है और उनकी 11 साल की एक बेटी भी है। कितने यंग दिखते हैं, ऐसा लगता है कि कॉलेज स्टूडेंट हैं। पर ट्रेलर में महेश बाबू के अलावा मुझे और कोई चीज इम्प्रेस नहीं की। एक्शन सीन देख ऐसा लगता है कि पुराने साउथ मूवी की ट्रेलर देख रही हूँ। इतने स्लो मोशन दिखाया है हर एक फाइट सीन को कि देखने में मजा ही नहीं आता। हाँ अगर ये ट्रेलर कुछ सालों पहले आया होता तो देख के ये कह सकती थी क्या ट्रेलर है यार, देख के मजा आ गया। पर अफसोस ये ट्रेलर उतना इम्प्रेसिव नहीं है मेरे लिए, ना ही ट्रेलर में सुनाई देने वाली बैकग्राउंड म्यूजिक। मगर लास्ट के कुछ इमोशनल सीन के साथ जो बीजीएम सुनने को मिलती है वो काफी अच्छे हैं, इमोशनल मोमेंट को और ज्यादा इफेक्टिव बना जाते हैं, और डायलॉग्स भी काफी अच्छे हैं। वैसे इस फिल्म के डायरेक्टर हैं त्रिविक्रम सर, जिन्होंने अल्ला वेंकटपुरम और आसन अब सत्यमूर्ति जैसे ब्लॉकबस्टर मूवी बनाए हैं, जिन्हें आज भी देखते हैं तो बोर नहीं लगता। इसलिए मैं इस फिल्म को देखने के लिए एक्साइटेड हूँ, और महेश बाबू को देखने के लिए भी। वैसे आपको ट्रेलर कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, खत्म।